महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में लगी हैं। इस बीच गुरुवार को शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। पार्टी ने लड़कों को फ्री एजुकेशन, जरूरत की चीजों की कीमतों को स्थिर करने के साथ साथ धारावी पुनर्विकास परियोजना को खत्म करने का भी वादा किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर एमबीए जीत जाती है तो जैसे महाराष्ट्र में छात्राओं को सरकारी नीति के तहत फ्री एजुकेशन मिल रही है, उसी तरह लड़कों को भी मुफ्त शिक्षा मिलेगी। शिवसेना अध्यक्ष ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने जो घोषणा पत्र में वादे किए हैं, हमने वही हमारे मैनिफेस्टो में किए हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें भी शामिल हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। उद्धव ने कहा है कि अगर एमबीए जीत जाती है तो जैसे महाराष्ट्र में छात्राओं को सरकारी नीति के तहत फ्री एजुकेशन मिल रही है, उसी तरह लड़कों को भी मुफ्त शिक्षा मिलेगी। शिवसेना अध्यक्ष ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने जो घोषणा पत्र वादे किए हैं, हमने भी वही हमारे मैनिफेस्टो में शामिल किए हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनावों के लिए गुरुवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उनके साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। उद्धव ने घोषणा पत्र को वचननामा करार दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मैंने अभी शिवसेना की ओर से महाविकास अघाड़ी की सरकार आने के बाद हम क्या क्या करेंगे, जनता की सेवा हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमने वचननामा जनता के सामने रखा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कई वादे पूरे किए हैं और आज भी हमने जो वादे किए हैं हम जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद पूरा करेंगे। शिवसेना यूबीटी के घोषणा पत्र में लड़कों को मुफ्त शिक्षा, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिर करने का वादा किया गया है। उनके प्रमुख वादों में धारावी पुनर्विकास परियोजना को रद्द करना भी शामिल है। उद्धव ने कहा है कि ज़्यादातर चुनावी वादे विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के घोषणा पत्र का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ बिंदु हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एमवीए गठबंधन 20 नवंबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र और मुंबई में भी आवास नीति होगी। ठाकरे ने कहा है कि अगर एमवीए गठबंधन में सत्ता में आती है तो कोलीवाड़ा और गोठानों के क्लस्टर विकास को रोका जाएगा, यह निवासियों को विश्वास में लाने के बाद किया जाएगा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने कहा है कि उनकी पार्टी रोजगार पैदा करने के लिए भी काम करेगी। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होंगे। 29 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख थी। सभी नामांकन पत्रों की जाँच 30 अक्टूबर को हुई। वहीं 4 नवंबर को नामांकन वापस लेने की लास्ट डेट थी, जिसके बाद से ही 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। इससे पहले ही राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच लुभावने वादे सामने लेकर मौजूद दिख रही हैं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन से है। महायुति में भाजपा, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी शामिल है। शिवसेना ने 2014 विधानसभा चुनाव में 63 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 42 और एनसीपी को 41 सीटों पर सफलता मिली थी। 7 सीटों पर निर्दलीय जीत मिली थी। सबसे अधिक 122 सीटों पर भाजपा ने अपना परचम लहराया था। 2019 विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और शिवसेना ने एक साथ चुनाव लड़ा। भाजपा को 105 और शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली थी, मगर सीएम पद पर दोनों पार्टियों में सहमति नहीं बन सकी और गठबंधन उस दौरान टूट गया। एनसीपी के खाते में 54 और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली, जिसके बाद से ही मामला आगे बढ़ा। फिलहाल शिवसेना यूबीटी के घोषणा पत्र में जो दावे, जो वादे किए जा रहे हैं, वो इस चुनाव में कितने असरदार होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो डेक्स amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।